एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी, इसका दूसरा नाम यह है, फॉर्म्ड। इजी है, 1990 में। सेकंड है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आचार्य रामामूर्ति कमेटी। फर्स्ट है एनहांसिंग क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, प्रमोटिंग इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज, रिव्यूइंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एनकरेजिंग इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपने फोकस कहाँ पर रखना है, है रिव्यूइंग पर। तो दूसरा हम पीछे वीडियो में उसमें लर्न करके आए हैं, जिसमें रिव्यू कमेटी के कंसर्न और रिकमेंडेशन स्टडी की हुई हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया होगा। तो उसमें हमने कहा था प्राइमरी जो इसका फोकस था हायर एजुकेशन है, तो रिव्यूइंग और हायर एजुकेशन के बेस पर ये वर्ड्स हमें गाइड कर रहे हैं कि राइट आंसर ये होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी में भी साथ साथ में करेंगे, विच एरिया डिड कमेटी एम्फेसाइज इट्स रिकमेंडेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। द राइट आंसर इज अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल पर नहीं जोर, क्वेश्चन मार्क है, रिसर्च पर नहीं जोर। हाँ, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 ने इस पर जोर दिया है, इंटरडिसिप्लिनरी की जगह पर मल्टीडिसिप्लिनरी पर 2020 पॉलिसी ने जोर दिया है। तो यहाँ पर रामामूर्ति कमेटी के लिए राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किस व्यक्ति ने रामामूर्ति समीक्षा कमेटी, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया कि उनके चेयरपर्सन कौन थे रामामूर्ति कमेटी के। तो रामामूर्ति कमेटी के तो आचार्य रामामूर्ति वीएम, देखिए डिफिकल्ट हो गया। अब रामामूर्ति कितने हैं ये अपने आइडेंटिफाई करना है, कौन से रामामूर्ति। तो ये आचार्य रामामूर्ति से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकियों को यशपाल कमेटी अलग है, वीएम है, ये वाली अलग है। आचार्य से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आचार्य रामामूर्ति इनका राइट नेम था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। देखिए, यहाँ क्वेश्चन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन फोकस वो हायर एजुकेशन ही था। जस्टिस वर्मा कमेटी आती है तो उसका टीचर एजुकेशन फोकस रहेगा। सिक्स्थ है, आचार्य रामामूर्ति समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, बहुत ईजी है, इसमें 92 नहीं है, जनार्दन कमेटी की है, ये बहुत दूर चले गए, है ना, 2012 में वो, अच्छा उसकी हो सकती है, जस्टिस वर्मा कमेटी, है ना, ये जस्टिस वर्मा कमेटी है, और ये होगी जनार्दन कमेटी। और यहाँ पर राइट आंसर इसको चूज करेंगे, अगर 91 है तो उसको राइट आंसर चूज करेंगे कि कब इनकी रिपोर्ट जो थी जमा हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मिति ने अपनी सिफारिशों में उच्च शिक्षा के किस पहलू पर जोर दिया, क्वालिटी एनहांसमेंट, असेस एंड अफोर्डेबिलिटी, रिसर्च एंड इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कुछ ऑप्शन रिपीटेड है, यहाँ पर क्वालिटी एनहांसमेंट पर जोर दिया। पहला, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें ये बार बार बात आई थी। आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी रिकमेंडेड द प्रमोशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज टू। देखिए, पीछे हम करके आए कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज रॉन्ग आंसर था, लेकिन वहाँ पर बेस्ट आंसर जो कोई और था, दैट इज वाई हर क्वेश्चन में दो या तीन कई बार राइट आंसर हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है, बेस्ट कौन सा है, उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर है फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन। देखिए, जब इंटरडिसिप्लिनरी ही लिख दिया गया है तो उसकी डेफिनेशन ही है कि कोलैबोरेशन, दैट इज वाई ये क्लू दे दिया गया है इसमें, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ही रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन है, तो राइट आंसर यही दिखाई दे रहा है। इंट्रोड्यूस न्यू एकेडमिक प्रॉब्लम, एनहांस इंडस्ट्री पार्टनरशिप, एड्रेस सोशल चैलेंज, तो राइट आंसर ए है इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा संस्थानों में शासन के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी,
ग्रांटिंग मोर अटोनमी टू यूनिवर्सिटी, अटोनमी की बात पीछे करके आए हैं एक में, तो राइट आंसर इसको चूज कर सकते हैं अभी तक, लेकिन अगले पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर, नहीं गवर्नमेंट कंट्रोल की बात नहीं की गई। स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी बॉडी यूजीसी जैसे है उसको नहीं बात की गई। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ फैकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, ये वैसे ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, दैट इज वाई राइट आंसर है अटोनमी। सेंट्रल आइडिया इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द राइट आंसर इज अटोनमी। टेंथ क्वेश्चन है, द कमिटीज रिकमेंडेशन एम टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च बाय प्रमोटिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये बात नहीं की इन्होंने, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। रिस्ट्रिक्टिंग एडमिशन टू हायर एजुकेशन, रिस्ट्रिक्शन क्यों लगानी है, ये अपने आप में गलत है। एम्फेसाइजिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, एम्फेसाइजिंग थ्योरेटिकल नॉलेज ये बेसिक कंस्ट्रक्टिविज्म या एडवांस प्रोग्रेसिव एजुकेशन के खिलाफ जा रहा है, ये भी डिलीट, एक ही बच रहा है राइट आंसर इज। आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया कलेबोरेशन, पीछे एक ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत थी, इसीलिए ये डिफिकल्ट होते हैं। एनहांस रिसर्च फाइंडिंग, इम्प्रूव स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी, जो यहाँ पर डायरेक्ट हिंट है कि इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेबोरेशन करनी है, तो इंडस्ट्री का काम ही एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करना होगा, दैट इज़ वाई बी अभी तक बेटर आंसर है। एस्टेब्लिश मोर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई सुजेशन नहीं है। प्राइवेटाइज हायर एजुकेशन, ऐसी कोई बात नहीं की गई। एनहांस रिसर्च फंडिंग, ये वाली बात भी नहीं है। बेस्ट आंसर इसमें से ये सामने आता है। द कमिटीज रिकमेंडेशन फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द इंस्टीट्यूट टू रिड्यूस रिलायंस ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, इंक्रीज पहला तो नहीं, गलत होगा ये वाला। इंक्रीज स्टूडेंट फीस, ये इंक्रीज स्टूडेंट फीस डायरेक्टली नेगेटिव ऑप्शन है, इसको डिलीट करेंगे। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये 2020 पॉलिसी में ऐसा कुछ हो सकता है। एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अटोनमी एंड अकाउंटेबिलिटी, हमें वो वर्ड मिल रहे हैं जो रामामूर्ति कमेटी के साथ जुड़ रहे हैं, तो राइट आंसर हमने डी को चूज किया है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, ये 12वां था। आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटीज रिकमेंडेशंस इन्फ्लुएंस द सब्सिक्वेंट पॉलिसीज चेंज इन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने वाला है कि ये हम पढ़ के आए हैं कि हायर एजुकेशन पर फोकस था, लेकिन जो रिकमेंडेशन दी गई क्या उसने हायर एजुकेशन को ही इन्फ्लुएंस किया या फिर प्राइमरी टेक्निकल मेडिकल सभी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया, तो राइट आंसर है कि तीनों को इन्फ्लुएंस किया, दैट इज वाई डी इज राइट आंसर यहाँ पर चुनेंगे, ये लिख दिया डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, रिपोर्ट ऑफ आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर एक्रीडिशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, सेटिंग अप न्यू यूनिवर्सिटीज, देखिए वीक ऑप्शन है कि नई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ नहीं कहा गया। फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन की बात नहीं की गई। रीस्ट्रक्चरिंग द एकेडमिक प्रोग्राम्स, हाँ ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये बेटर आंसर है क्योंकि एक्रीडिशन ऑफ यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जो था रामामूर्ति कमेटी रिकमेंडेशन ने बनाया। द कमेटीज रिकमेंडेशंस एम्ड टू एनहांस द रिसर्च कल्चर इन इंस्टीट्यूशंस बाय एस्टेब्लिशिंग रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रिड्यूसिंग द एम्फेसिस ऑन रिसर्च आउटपुट, ये एम्फेसिस क्यों रिड्यूस किया जाएगा, ये गड़बड़ हो गई। डिक्रीजिंग फंडिंग, नहीं इंक्रीज हमेशा की जाती है रिसर्च के लिए। एनकरेजिंग कलेबोरेशन विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, ये 2020 पॉलिसी ने हाँ कहा है लेकिन इन्होंने नहीं कहा था, तो यहाँ पर एस्टेब्लिशिंग रिसर्च सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस वर्ड के बेस पर इसको अटोनमी अकाउंटेबिलिटी एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी एम्फेसाइज द नीड फॉर universities to prioritize academic freedom and autonomy, ये autonomy आ गया, autonomy को हमने जल्दी से adopt कर लिया, एक टिक लगा लिया। political and ideological conformity, ये नई बातें की जाएगी, गलत बातें। compliance with government regulations, ये नहीं।
सरकारी नियमों की अनुपालना, जैसे हमने पालना नहीं की उसको, फिर कोई कमी है इंस्टीट्यूशन में वो पूरी पूरी करके फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जिन्होंने बनाया है उनको बताते हैं कि हमने ये स्टाफ पूरा रख लिया, ऐसे कंप्लायंस होती है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, ये तो बात ही नहीं है एवेल्यूएशन की, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कंस्ट्रक्टिविज्म के भी खिलाफ है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पर नहीं, पर्सनलाइज टेस्टिंग पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर टेस्टिंग पर जोर देते हैं। तो ये सारे गलत बर रहे हैं। एक ही ऑटोनॉमी हमें पहला एक टैग वर्ड मिला हुआ है जिसके बेस पर हम राइट आंसर इसमें से चूज करते जा रहे हैं। 17वां क्वेश्चन है, द कमेटी रिकमेंडेशन मेजर टू इम्प्रूव द असेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन फॉर रूरल एंड मार्जिनलाइज, ये तो बात की थी जब पहले कंसर्न की बात की थी कि इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, उसको मैंने याद कैसे रखा था पिछली वीडियो में, डीप वर्क वैल्यू है ना, ऐसे करके डी से डिसेंट्रलाइजेशन, ई से इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, पी से पार्टिसिपेटिव एजुकेशन, वर्क और वैल्यू एजुकेशन पर जोर दिया गया, ये से याद रखा था। तो ये फर्स्ट मेन पॉइंट था रूरल उन्होंने, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड मीन सीमांत समुदाय उनको बोले देते हैं जिनको पावरलेस कर दिया जाता है, पावरलेस, जिनके राइट्स छीन लिए जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाई जाती है, इनजस्टिस बढ़ जाता है, इक्वालिटी ख़त्म कर दी जाती है। तो वो ग्रुप जो हैं जिनको जस्टिस नहीं मिला उनके लिए, वो ट्राइबल एरिया जैसे हैं, रूरल एरिया हैं ना, तो उनके लिए ये बात है, इन पर फोकस, असेसिबिलिटी मतलब इन लोगों तक, खास करके उन्होंने बात की थी ट्राइबल एरिया की है ना, रूरल एरिया की, वहाँ तक ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन पहुँच सके। तो आज ऐसा हो रहा है, अब MOOC स्वयं ऐसे ऑनलाइन कोर्स हैं जहाँ और भी कई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज की रिकमेंडेशन रिगार्डिंग करिकुलम डेवलपमेंट, एनकरेजिंग वोकेशनल कोर्स, रिड्यूसिंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स इन प्रोग्राम, प्रैक्टिकल कभी भी रिड्यूस नहीं किया जाता, ये रिड्यूस प्रैक्टिकल है ना, ये टर्म नेगेटिव है, इसको ये हमेशा ही गलत होगी। स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग मीन सेम करिकुलम फॉर ऑल, नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि डिफरेंट लोकलाइज्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लर्नर करिकुलम होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, नेगेटिव है। प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, ये पॉजिटिव है, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी है ना, एक फ्लेक्सिबल, याद रखना है इंटरडिसिप्लिनरी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है सब्जेक्ट्स की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं जिसमें थोड़े डिसिप्लिन अलग से रहते हैं लेकिन इंटीग्रेशन है, ये ज़्यादा इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच है इंटरडिसिप्लिनरी। तो राइट आंसर हमने डी को चूज़ किया है इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल में काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर, ये रहा 19वां क्वेश्चन हिंदी में, मोनिटर फैकल्टी परफॉर्मेंस, इंश्योर यूनिफॉर्म एडमिशन प्रोसेस, एनकरेज स्टूडेंट एक्टिविज्म, एड्रेस ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट्स। तो इसमें देखिए, एंश्योर यूनिफॉर्म एडमिशन प्रोसेस, ये ऐसी बात नहीं है, इसको एनकरेज स्टूडेंट एक्टिविज्म, नहीं ये कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। मोनिटर फैकल्टी परफॉर्मेंस, ऐसी बात भी नहीं है। तो डिलीट करके रॉन्ग आंसर हम राइट आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं, एड्रेस ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट्स, इसको राइट आंसर यहाँ चुना जा सकता है। तो ये हम वेरी इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़े हैं, रामामूर्ति कमेटी रिव्यू कमेटी के कंसर्न्स और रिकमेंडेशंस को समझने के लिए, और बाकी पॉलिसीज़ के साथ डिफरेंस के लिए, बाकी पॉलिसीज़ कमेटीज़ और कमीशंस पर डिफरेंट ऐसे वीडियो होंगे, नीचे लिंक दिया गया होगा, देख सकते हैं। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज, थैंक यू।